Hey guys, this is Ultimate here. My name is Saurav. In this video, I'm going to show you how to turn on and turn off game mode in your Windows 11. So, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको simply जाना है task bar पे and करना है task bar settings. Then आपको easily आना है gaming. तो gaming पे आपको एक option दिखेगा जो कि है game mode. आपको simply इसको click करना है and आप game mode को on करना चाहते हो तो आपको simply करना है on पे click and आप off करना चाहते हो तो simply करना है turn off. तो गेम मोड एक्चुअल में क्या है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, जो कि है कंप्यूटर पे कुछ ऐप फाइल्स प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ ओपन रहता है. उस टाइम पे आप सबको डिलीट तो नहीं करते हो, सबको क्लोज तो नहीं करते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करते हो, गेम खेलने का इच्छा रखता है, आप जाके गेम खेल लेते हो. उस टाइम पे आपका बैकग्राउंड में जितना भी ऐप है या प्रोग्रामिंग है वो चलता रहता है, इसलिए आपका गेम पे FPS थोड़ा कम आता है. तो मेरे ख्याल से आप इस गेम मोड को ऑन कर लोगे तो आपका क्या होगा, आपका सिंपली गेम खेलना चाहोगे तो आपका जो FPS है बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसका रीज़न एक ही है, आपका बैकग्राउंड में जितना भी ऐप चल रहा था या सॉफ्टवेयर चल रहा था सबको किल कर देता है गेम मोड ऑन करने से. और आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है या आप कुछ जान पाए हो, नया कुछ सीख पाए हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.